अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाचा जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, प्लीज यशोदा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। हम सबकी खुशी इसी में है, प्लीज। हिम्मत कैसे हुई बाबू? ये क्या करने जा रहे हैं आप? जी जो है ना, ये जो यशोदा रानी का प्रेम अध्याय चल रहा है ना, उसका अंत करने जा रहे हैं। प्रेमी से मिलाने जा रहे हैं इनके? हाँ कामिनी। अरे अम्मा, बाबूजी सही कर रहे हैं। यशोदा की बेशर्मी की वजह से इस घर के लोग कब तक बेइज्जत होते रहेंगे आखिर? अशोक के बाबूजी। चाचा जी, ये फैसला लेने के लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसान मान रहूंगा। रणधीर शर्मा, यशोदा हमारी बहू है और हम अच्छे से जानते हैं अपनी बहू को कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। उसके खिलाफ झूठी कहानी सुनाकर तुम हमें भड़का नहीं सकते हो। निकलो यहां से। हमने कहा निकलो यहां से, वरना दो चार थप्पड़ मार के मुंह लाल कर देंगे और बेइज्जत करते हुए तुम्हें सड़क पर निकाल देंगे। निकलो यहां से। चला जाऊंगा। आपको क्या लग रहा है, आपका ये थप्पड़ यशोदा और मेरी सच्चाई बदल देगा? सब समझ रहा हूं मैं। घर और समाज के लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए आप यशोदा पे विश्वास होने का नाटक कर रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि मेरे सिवा कोई समझ नहीं पा रहा। सब समझ रहे हैं, फिर भी आपके इस थप्पड़ का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आपको हराना थोड़ी है, आपको तो जीतना है। कहो चले जो यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा।
यशोदा बस बाबूजी बस हो मेरे लिए बस इतना काफी है कि मेरे बाबूजी का विश्वास भरोसा कायम है। अरे क्या पता इनका विश्वास सही है कि रणधीर की बात सही है। हो सकता है गुप्ता जी पूरे समाज के सामने अपने आप को बेइज्जत होते देखकर बस यूं ही झूठे विश्वास की दीवार उठा रहे थे। इतनी नौटंकी तो कोई भी कर सकता है। उठो यशोदा। अकेले हमारे विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। यहां जितने भी लोग आए इन सबकी आंखों में देखो देखो इन सबकी आंखों में एक सवाल है और वो जायज भी है। हमसे ज्यादा तुम्हें इन लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है और इन्हें विश्वास तब आएगा जब तुम्हारे पास रणधीर के किए का सबूत होगा। तब तुम खुद को सही साबित कर पाओगी। वरना अगर ये समाज तुम्हें दोषी मानता है तुम्हें अपराधी मानता है तो हमारे अकेले के तुम्हें निर्दोष मानने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। इसलिए अब तुम जाओ यहां से और अगर ला सको तो अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आना और इन सबको दिखाना ताकि जो अपराध तुमने किया ही नहीं उससे तुम मुक्त हो सको। और हम भी इस मोहल्ले में फिर से सर उठाकर चल सके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।